नमस्ते दोस्तों। घर और किचन का काम मुश्किल होता है लेकिन करना ही होता है, लेकिन उसी काम को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आज कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स ना हो जिससे आपका काम आसान होगा, साथ में बहुत सारी बचत भी होगी और इसमें 1 रुपये का खर्च भी नहीं है। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते, फिर देखते हैं आज की पहली टिप। बड़े बच्चों को देने को रहता है ना तो लोग कहते हैं इतनी बड़ी दवाइयाँ नहीं दे करके इसे आधी देनी होती है। देखिए आधे देना होता है, अब इसे आधे को भी ऐसे नहीं देना क्योंकि बच्चे तो खा नहीं सकते, इसे जो है ना घोल करके दिया जाता है। ठीक है, तो घोलने के लिए पाउडर बनाना पड़ता है। पाउडर बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेपर का यूज करते हैं। ये देखिए इस तरीके से रख के किसी चीज़ से कूट देते हैं। आज मैं बहुत ही अच्छा सा तरीका बता रही हूँ, यहाँ पर बहुत ही आसान सा तरीका। हमने ले लिया है चम्मच, चम्मच लेने के बाद हमें एक और चम्मच ले लेना है, दूसरा चम्मच, और दूसरे चम्मच की हेल्प से आपको बस इस तरीके से करना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से दूसरे चम्मच से आपको इस तरीके से दबाना है और देखिए बहुत ही अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये हाइजेनिक भी नहीं होता है। तो है ना ये कमाल का आइडिया, एक दूसरे चम्मच से कैसे देखिए बहुत ही आसानी से पाउडर बनकर तैयार हो जाती है। अब बच्चों को पिलाना है, इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए और दे दीजिए बच्चों को। लीजिए इस तरीके से आप चम्मच से ही पिला दीजिए, आपको कुछ और ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो है ना ये कमाल का आइडिया दोस्तों। जब इस तरीके से मसाले भर के रखते हैं ना जार में, तो जो पाउडर होते हैं ना धीरे धीरे करके जमने लगती है और इसमें देखिए इस तरीके से ढेले बनने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप इसे बीच बीच में ऐसे नहीं चलाएंगे ना तो ये जम जाती है और इसमें जो है ना कीड़े पकड़ते इलिया वगैरह हो जाती है और सारा का सारा मसाला का पाउडर जो है ख़राब हो जाता है। तो बीच बीच में आपको जो है ना इस तरीके से चलाते रहिए, इससे क्या होगा कि इसमें बिल्कुल भी हवा बैठेगी नहीं, बहुत ही अच्छे से इसमें पास होती रहेगी और आपके जो है ना मसाले कभी भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना है ना, इसमें कीड़े वगैरह ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा जो है ना नमक डाल दीजिए। आप इस तरीके से नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आपके जो है ना मसाले, चाहे मिर्ची पाउडर हो, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, जिस भी चीज़ के मसाले हो, गर्म मसाले हो, आपके मसाले कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से चला दीजिए। उप करते हैं, छोटी सी ट्रिक है बट बड़े ही काम की, क्योंकि मसाले जो है ना बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है और ख़राब होने के बाद ये बिल्कुल खाने लायक रहती नहीं है, सारी की सारी हमें फेंकनी पड़ जाती है। फ्रेंड्स, सब्जियां तो हमें रोज़ काटनी ही होती है, इस तरीके से सब्जियां काटते हैं ना, तो ये देखिए इसके छिलके जो है ना हम लोग ऐसे ही चॉपिंग बोर्ड पे काटते हैं और इसके छिलके जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे हमें डबल जो है ना टाइम लगता है, क्योंकि इस तरीके से छिलके जो है ना उठाने के लिए आपको अलग से फिर से लेना पड़ता है और ज़्यादा ही टाइम लगता है। इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, करना क्या है, देखिए इस तरीके से प्लास्टिक ना हर किसी के घर में आते रहती है और इसका यूज जो है ना आप ऐसे ही फेंक देते हो ना, तो आप कुछ ना कुछ इसका यूज करके फेंकिए। तो जब भी आप सब्जियाँ काट रहे हो ना चॉपिंग बोर्ड पे, तो इसके जो छिलके निकलते हैं, छिलके वगैरह हो गए, एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह होते हैं ना, उन सबको काटने के बाद जो है ना आपको इससे चॉपिंग बोर्ड से इस तरीके से प्लास्टिक को लगा लीजिए और उसके बाद जो है ना आप इस तरीके से डालते जाइए। इससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ में आपके टाइम भी बचेगी। ये देखिए बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है, आप इस तरीके से छिलके साइड कर दिए, अब इसके बाद इसे फटाफट से काट भी सकते हैं। तो जब भी आपको काटना हो चॉपिंग बोर्ड पर सब्जियाँ छीलना हो, तब इस तरह से प्लास्टिक जरूर लगा लीजिए, इससे आपके काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। अरे देखिए इस तरीके से हमने छील लिया, अब बस कुछ नहीं करना है, बस हमें इस तरीके से सरका देना है। हमारा देखिए छिलका जो है कहीं और ना जा करके प्लास्टिक में जमा हो जाता है। सारी सब्जियां काटने को आप इस तरीके से प्लास्टिक का जो है ना इसे बाहर फेंक के बाद फिर से प्लास्टिक का आप यूज ले सकते हो, तो इससे टाइम की बचत हुई ना। होप करती हूँ दोस्तों तरीका पसंद आया हो। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर के फ्लोरों पे ना अजीब से दाग लग जाते हैं, कुछ ऐसे साग सब्जियों के दाग या फिर पके हुए खाने वाले जो हल्दियों वगैरह दाग होते हैं ना, वो फ्लोर पे लग जाते हैं और वो छूटते नहीं हैं जल्दी। इसे छुड़ाने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है दोस्तों, करना क्या है आपको, दोस्तों यहाँ पे देखिए हमने ले लिया है एक नींबू कटा हुआ, नींबू के ऊपर इस तरीके से हमने ऑलरेडी हारपिक रख के डाला है। अब करना क्या है आपको, यहाँ पे जो है ना अपने हाथों में एक प्लास्टिक बांध लीजिए, अगर आपके पास ग्लव्स है तो ग्लव्स पहन सकते हो, ग्लव्स नहीं है तो आप इस तरीके से प्लास्टिक से भी हाथों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब जिस भी जगह पे फ्लोर पे दाग लगे हुए हैं ना, जैसे कि जंग के भी निशान लगे होते हैं या फिर हल्दी के दाग, कुछ ऐसी दागे होती है ना जो कि छूटती नहीं है, आप इस तरीके से नींबू पर लगा लीजिए हारपिक को, ऐसे अच्छे से फ्लोर पर इस तरीके से रगड़ दीजिए, अच्छे से रगड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें रगड़ देना है जहाँ पे भी दाग लगी हुई है, ठीक है, अब इसे 2 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है।
दोस्तों अब हमें एक स्क्रबर ले लेना है, ठीक है। अब उसकी हेल्प से इस तरीके से आपको रगड़ लेना है, अच्छे से रगड़ दीजिए ताकि जो भी दाग जिद्दी हो चुके हैं ना वो सारे अच्छे से रिमूव हो जाए। इस तरीके से रगड़ने के बाद हमें एक कपड़ा ले लेना है, अच्छे से गीला करके ले लीजिए, इस तरीके से फ्लोर को पोंछ दीजिए। जितने भी जिद्दी दाग होंगे, हार्ड वाले दाग होंगे ना, वो सारे देखिए कैसे छूट जाएंगे, बिल्कुल आपके चमाचम हो जाएंगे आपके फ्लोर। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है और बहुत ही आसान है इसे करना। ये देखिए बिल्कुल चकाचक से हो गए हैं। तो फिलहाल तो कोई दाग नहीं थे, लेकिन फिर भी थोड़ा वो डल था ना, वो सारे कितने अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक गिलास ले लिया है। अब हमें कुछ टिश्यू पेपर चाहिए होगा, जो कि इस तरीके से हमें इस पर इस तरीके से देखिए लगाते जाना। ये देखिए इसके कॉर्नर को पकड़ करके आप इस तरीके से गिलास पे सजाते जाइए। अब देखिए क्या बन के तैयार होता है, आपको मैं दिखाती हूँ। तो चारों तरफ से आपको इस तरीके से रखते जाना है। कितना सुंदर सा हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो जाता है, जो कि देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से आप अपने डाइनिंग टेबल पे रखेंगे ना तो देखने में तो खूबसूरत लगे, साथ ही इसे निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस तरीके से एक एक करके आप निकालते जाइए, अब बिल्कुल भी ये खुलती नहीं है। जितना चाहे आप उतना लेयर के इसे सजा करके रख सकते हो, बिल्कुल सुंदर लगता है देखने में और ये लगेगा कि हाँ कोई प्रोफेशनल की तरह हमने इसे सजा करके रखा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया हो।